से कर रहे हैं। अठारहवें लोकसभा में कई नए सदस्य पहली बार संसदीय प्रणाली का हिस्सा बने हैं। पुराने सदस्य भी नए उत्साह के साथ आए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नज़र है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्य का भी होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है भी, कर्तव्य भी है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध दो भिन्न बातें हैं। जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहाँ स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, जब दुर्गमी निर्णय होते हैं, तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसीलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा। माननीय सदस्यगण, हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने हमें कुछ नीति बाणी दिए हैं, जैसे कि समान मंत्र हो समिति ही समानी की प्रेरणा दी है, अर्थात हम एक समान विचार और लक्ष्य लेकर एक साथ काम करें, यही इस संसद की मूल भावना है। इसलिए जब भारत तीसरी नंबर की इकोनॉमी बनेगा तो देश की इस सफलता में आपकी भी सहभागिता होगी। हम जब 2027 में आज़ादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे तो इस पीढ़ी को भी श्रेय मिलेगा। आज हमारे युवाओं में जो सामर्थ्य है, आज हमारे संकल्प में जो निष्ठा है, हमारे जो असंभव सी लगने वाली उपलब्धियां हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाला दौर भारत का दौर है। ये सदी भारत की सदी है और इसका प्रभाव आने वाली 1000 वर्ष तक रहेगा। आइए हम सब मिलकर पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में जुट जाएं, विकसित भारत बनाएं। आप सभी को मेरा बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।